अब बात दुर्लभ पक्षी की। मालाबार के पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला पक्षी मालाबार पाइड हॉर्नबिल बीजापुर के टाइगर रिजर्व में देखा गया। इंद्रावती नदी वाले इलाके में 12 से 15 की संख्या में ये पक्षी देखे गए हैं। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक ने बताया है कि इन दुर्लभ पक्षियों का बीजापुर जिले में आना दर्शाता है कि यहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूलित है। ट्रैकिंग करके इनके रहवास को जानने की कोशिश की जा रही है। इसमें पक्षियों की भी अलग अलग प्रजातियां हैं, उसमें से एक नई प्रजाति हमको यहाँ पे दिखी है और वो मलाबार पाइड हॉर्नबिल है। जो मलाबार रीजन है, मतलब जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वहाँ पे ये देखने को खास करके मिलता है। लेकिन पहली बार हम देखे कि यहाँ पे ये पक्षी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उनके लिए उत्तम रहवास ही यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे उनके लिए है। और जो नमी वाला क्षेत्र है हमारे, जो इंद्रावती नदी जहाँ बहती है, उस क्षेत्र में इसको देखने को मिला है और लगभग 12 से 15 संख्या में इनको देखा गया है। तो इसके लिए हम लोग लगातार बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में नए DFO पदस्थ होने के बाद वेस्टर्न घाट का दुर्लभ पक्षी यानी जो पहाड़ी जो मालाबार है हॉर्नबिल, उस पक्षी का नाम है, वो अब कैमरे में कैद हुई है इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। नए DFO आने के बाद लगातार जो विभाग है वो एक्शन पे नजर आ रहा है। पहले जैसे स्थिति बनती थी कि कुछ भी चीजें बाहर निकल के नहीं आती थी, लेकिन परंतु अब कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं नया DFO पदस्थ होने के पश्चात लगातार वन बैसा की बात की जाए या फिर जो मादाएं हैं जो कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही जो चेरपल्ली क्षेत्र पर मिली थी, उसके पश्चात वन बैसा जो है वो भी इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जो एरिया पे वो केंद्र एरिया पे कैमरे पे कैद हुई थी। लगातार इस तरीके की जानकारी बाहर अब लगातार निकल के आ रही है। जो चीज़ें अब लुप्त हो कगार पे लोग रखते थे उसको, क्योंकि बीजापुर जिला ऐसा इलाका है जो कि छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों पे कई जो प्रजाति हैं वो वहाँ पे दिखती नहीं, परंतु बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात की जाए या फिर सामान्य की बात की जाए लगातार यहाँ पे देखी जाती है, परंतु सार्वजनिक नहीं हो पाता, लोगों को ज्ञात नहीं हो पाती कि इस क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे प्राणी, ऐसे ऐसे पक्षी यहाँ पे उपस्थित हैं। उसके बावजूद अब लगातार नया DFO पदस्थ होने के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लगातार उनकी जो सक्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, विभाग की जो सक्रियता वो लगातार बढ़ रही है। जो कर्मचारी हैं वो अपनी उपस्थिति ग्राउंड लेवल पे दिखा रहे हैं, यही इसी का नतीजा है कि लगातार वहां पे वैसे संवेदनशील क्षेत्र पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व पे लगातार जो पक्षी हैं वो अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कैमरे पे कैद हुई है। भरत दुर्गम, न्यूज 18, बीजापुर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।